दिल्ली एनसीआर में लूट की वारदातों से दहशत फैलाने वाले शातिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश पर 65 से ज्यादा लूट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से एक स्पोर्ट बाइक और अवैध तमंचे के साथ ही मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र में इसने स्नैचिंग का तहलका मचा रखा था और सर्विलांस में जब इसकी बात एक बार सुनी गई थी तो ये ज्ञात हुआ था कि ये कहता था कि जब मैं KTM पे रहूँगा तो कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता। इतना कॉन्फिडेंट था और बहुत शातिर ढंग से ये अपराध किया करता था। चूँकि ये हमारे सर्विलांस था, मैनुअल सर्विलांस पे भी और टेक्निकल सर्विलांस पे भी, तो आज इसकी जानकारी प्राप्त हुई यहाँ आने की। पुलिस पार्टियाँ चारों तरफ लगी हुई थी और इसे देखकर जब इसे घेरने का प्रयास किया गया तो ये भागा। गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान इसने देखा कि ये चारों तरफ से पुलिस से घिर गया है, तो इसने अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है।